10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ग्रामीण अस्पताल लाखनदूर में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। जिला शैल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोमकुमार ने सभी से मानसिक स्वास्थ्य जाँच कराने का आग्रह किया है। रेत चोरी, गांजा बिक्री, गौ तस्करी के बाद अब भंडारा में वेश्यावृत्ति का धंधा फल फूल रहा है। इसी तरह यहाँ देव व्यापार अड्डे पर छापा मारकर 2 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम ने की है। स्थानीय अपराध शाखा को भंडारा शहर के रमाबाई अम्बेडकर वार्ड के एक घर में देह व्यापार चलने की गोपनीय जानकारी मिली। उस सूचना के आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर नितिन चिंचोलकर ने जाल बिछाया और छापेमारी की। इसमें रमाबाई अम्बेडकर वार्ड की 40 वर्षीय महिला अपने घर में महिलाओं को आर्थिक लाभ के लिए शरीर बेचने के लिए प्रेरित करती पाई गयी। यहाँ वेश्यावृत्ति करने के उद्देश्य से 2 महिलाएं और 3 व्यक्ति मिले। इस मामले में भंडारा पुलिस स्टेशन में इन 2 महिलाओं और 3 व्यक्ति के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत मामला दर्ज किया गया। इन दोनों महिलाओं को महिला सुधार गृह भेज दिया गया। यह कार्रवाई एपीआई नारायण तुरकुंडे, हवालदार तुलसीदास मोहरकर, विजय राउत, प्रशांत कुरंजेकर, अमोल खराबे, श्रीकांत मस्के, राजू दोनोडे, प्रफुल्ल कठाने, संदीप भानारकर, अंकोश पुराम, कौशिक गजबी, अर्चना कुते, कीर्ति तिवारी ने की है। आमच्या पथकासह शहरामध्ये पेट्रोलिंग करत असताना आम्हाला एक मित्राकडून माहिती मिळाली की रमाबाई आंबेडकर वार्ड मध्ये परिसरात एक 40 वर्ष महिला त्यांच्या राहत्या घरामध्ये महिला बदलून देवकेत असा करत आहे। त्याच्यावर आम्ही 95 बुद्ध त्या सदर ठिकाणी छापा टाकला असता तिथे महिला घरची घरमालकी महिला सोबत 2 महिला इतर बाहेरगावच्या 2 महिला आणि 3 ग्राहक असे हे पैशाचे पैशावरती देह विक्री करताना आम्हाला मिळून आले। तेव्हा त्यांच्यावर आम्ही ताब्यात घेऊन पिटा ऍक्ट कलम 3, 4, 5 अंतर्गत कारवाई केली आहे। त्याच्यामध्ये 3 पुरुष आणि जी ती व्यवसाय चालवत होती घरामध्ये घर वापरले होते तसे 4 लोकांवर त्यांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि चौघांना अटक केली आहे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ग्रामीण अस्पताल लाखनदूर में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। जिला शैल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोमकुमार ने सभी से मानसिक स्वास्थ्य जाँच कराने का आग्रह किया है। इस शिविर में मुख्य रूप से मानसिक बीमारी, सिर दर्द, डिप्रेशन, चिंता, व्यसन की समस्या, यौन समस्या, फिटनेस समस्या, बच्चों का व्यवहार और आदत में बदलाव, बुजुर्गों में व्यवहार परिवर्तन और मनोभ्रंश, मानसिक मंदता, हृदय रोग, कक्षाघात, मनोदैहिक बीमारी के निदान के लिए मनोचिकित्सक और चिकित्सक उपलब्ध होंगे। साथ ही आवश्यकता अनुसार बीपी, शुगर की जांच भी की जाएगी। साथ ही योग के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिलेगा।